Hello and good morning everyone. A very happy and sunny Sunday. So as promised, we are back again with Masalana Kitchen Ma with Chef Sarav Ji. And as you all know, GTA Wow is a non-profit organization supporting local, doing an FP series on supporting local and promoting more of women's related interest. So in that respect, we are here today again doing some varieties of Canada Day special. Before we go on to recipes and stuff like that, I would like to mention that patios bada khuli gaya che and so is rich masala no patio pan khuli gayo che. So chef, apne booking karau hai yahan agar aava mate because we were all waiting to come and have dinner and lunch here. So so procedure che during this situation. Thank you very much everyone for joining me. COVID-19 की सिचुएशन में हमारा पैटियो अभी रिसेंटली ओपन किया है, कल से ऑपरेशन में आ चुका है. तो आप कॉल करके रिजर्वेशन कर सकते हो. मेक श्योर जब आप आओ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, दूसरों को सेफ रखें, यही मेरी रिक्वेस्ट है. बाकी आज कैनेडा डे का वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड है, तो हम आपको डिफरेंट जो आप बैक यार्ड में आराम से कर सको, नो कुकिंग इन्वॉल्व, ऐसा कुछ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा. और विल सी कैसे चलता है. और जाने से पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा, बट लेट गायत्री फिनिश व्हाट शी हैज. सो आई जस्ट वांटेड टू से, सो आज आपने सो स्पेशल बतावाना है. ओके, वेदर बहुत अच्छा है बाहर. बैकयार्ड में आप कुकिंग नहीं करना चाहते या कुछ नहीं करता, नो कुकिंग इन्वॉल्व, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आज हम कैनपीज बनाएंगे. आपने देखा होगा काफ़ी पार्टीज में, हाई एंड रेस्टोरेंट्स में, हाई एंड पार्टीज में कैनपीज. आपके दिमाग में हर वक्त ऐसा ही रहता होगा, ये कैनपीज बनती कैसे हैं, इतनी सुंदर दिखती कैसे है? और बाइट, वन बाइट, टू बाइट्स की कैनपीज रहती है. आप इसको बना के प्रिपेयर करके एडवांस में रख सकते हैं आपके गेस्ट आने से पहले, तो आपकी हेडेक कम हो सकती है. और अगर नहीं है तो आप उसी टाइम पे भी बना सकते हैं. तो ये आपको मैं आज दिखाने की कोशिश करूँगा. और मैं जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्या इंग्रीडियंट्स है वो दिखा देता हूँ, हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं. यहाँ पे हमारे एक वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है जिसमें लाइम है, एप्पल है, लेटस है, टमेटोज है, हमारे पास चेरी टमेटोज है. यहाँ पे वैरायटीज ऑफ मसाले हैं जिसमें पपरिका है, स्मोक पपरिका, कश्मीरी चिली, क्यूमिन, रोस्टेड क्यूमिन, क्रैक पेपर है हमारे पास, ये सौंफ है हमारे पास फ्रेशली ग्राइंड की हुई, ये केसर है. केसर हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमने पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया है कि इसका फ्लेवर अच्छी तरह बाहर आ जाए. ब्लैक हिमालय पिंक सॉल्ट है, धनिया है हमारे पास, ये हमारे पास फाइन चॉप डील है, मोजरेला चीज़, पनीर है, दही है, ये है हमारे पास चिकपी का प्यूरे है. जो चिकपी का प्यूरे बनाओ आप, ये बॉयल्ड चिकपी प्यूरे बॉयल करके का ये आप छिलका पहले निकाल, छिलका निकालने के बाद आपके पास जो प्यूरे आएगा वो ऐसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. हमारे पास हालापिनियो है, हमारे पास ग्रीन चीज़ है, हमारे पास धनिया की रूट्स है, धनिया की रूट्स है हमारे पास, हमारे पास सोया है. आप टोफू भी यूज़ कर सकते हो, हमारे पास ये रेस्टोरेंट्स में सोया चाप रहती है, वो हमने यूज़ किया है. हमने ये हमारे पास रतन जोत है, जो हम जब हॉट कुकिंग करेंगे उस टाइम पे यूज़ करेंगे रतन जोत, जिसको रतन जोत कहते हैं, रतन जोप भी कहते हैं, आप जो मर्जी कॉल कर सकते हो. और ये हमारे पास फाइनली चॉप्ड रेड पेपर है, और हमने थोड़ी धनिया की पत्तियाँ रखी हुई गार्निशिंग के लिए. तो बिफोर मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपनी प्लेटिंग के लिए एक प्लेट ले आता हूँ. ओके, हमने यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रैकर्स लिए हैं. ये क्रैकर्स रेस्टोरेंट, आई एम सॉरी, सुपर स्टोर्स में रेडीमेड मिल जाते हैं. अगर आप इसको घर पे बनाना चाहें, ये बैगेट्स ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड है, किसी भी ब्रेड को आप स्लाइस करके उसके अंदर थोड़ा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके सॉल्ट पेपर डाल के अवन में 250 फारेनहाइट पे आप बेक कर सकते हो, और इससे नाइस एंड क्रिस्पी आपके पास क्रस्टीनीज रेडी हो जाएगी. ओके, हम ये शुरू करने से पहले हम इसका सब जो पेस्ट है, जो भी स्प्रेड है, स्प्रेड बनाएंगे. आज हम एक स्प्रेड बनाएंगे क्रीम चीज़ की, एक दही से, एक
चिकपी से और एक राजमा से। तो मैं शुरू करता हूँ चिकपी से। हमारे पास ये चिकपी है, प्यूरे ऑफ चिकपी है, इसको हम बोल में डाल देंगे। ये बोल में हमने डाल के इसके अंदर हम हल्का सा जीरा डालेंगे, हल्का सा इसमें हम लाइम स्क्वीज करेंगे, ज्यादा नहीं हो जाए लाइम, इसलिए मैंने आधा ही लाइम स्क्वीज किया है। लाइम स्क्वीज हो गया है, इसके अंदर हम हल्का सा ऑलिव ऑयल, कोरिएंडर की रूट्स है जो काटी हुई है वो इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्लैक क्रैक पेपर और हल्का सा हिमालय पिंक सॉल्ट डालेंगे। ये हमारा, अगर आप और ग्रीन करना चाहो आप और ग्रीन कर सकते हैं। ये हमारा एक स्प्रेड रेडी हो चुका है, दिस इज अ स्प्रेड हमारे पास रेडी है। दिस इज वन ऑफ द स्प्रेड, हमने थोड़ा इसके अंदर इंडियन टच किया है, धनिया की रूट डाली है, थोड़ा जीरा डाला है, ये क्लोज टू हमस है, हमस की इंडियन मॉडिफाइड रेसिपी है। हमस में ताहिनी यूज करते हैं पर ताहिनी का फ्लेवर सबको पसंद नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा डिफरेंट इसको मॉडिफाई किया है। अभी जो हम सेकंड स्प्रेड बनाएंगे उसमें हम राजमा का पेस्ट लेंगे। राजमा हमने उबाल के पीस लिए है और ये हमारा राजमा का पेस्ट है, सारा ही ले लेते हैं, कम है हमारे पास। ये हमने राजमा का पेस्ट, अब इसको हम स्पाइसी करने के लिए, देखिए कंसिस्टेंसी आप देख लें कि स्प्रेडेबल होना चाहिए, इसके अंदर पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो क्रस्टिनी पे या आपके क्रैकर्स पे ये स्प्रेड नहीं होगा। हम इसको हालापीनियोस को चॉप कर लेंगे, अच्छा चॉप। आप ज़्यादा स्पाइसी खाने की पसंद करते हो तो आप आराम से और स्पाइसी कर सकते हो। ये हमने सेकंड स्प्रेड हमारा रेडी है, इसके अंदर थोड़ी हम चॉप धनिया डालेंगे, धनिया हमारे पास हिमालय पिंक सॉल्ट है, क्रैक पेपर, अगर आप इसमें ऑलिव ऑयल और ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हल्का सा लाइम स्वीट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे अदरवाइज इसकी जो कंसिस्टेंसी है स्प्रेड की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने बहुत कॉन्ट्रास्ट जो स्प्रेड है बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर के लिए हुए हैं, इसकी वजह यह है जब आप इसको करें आप अपने गेस्ट को दें तो कलरफुल लगे, जितना कलरफुल होगा आपका स्प्रेड्स
आपकी कैनपीज उतनी ही सुंदर लगेगी। ये हमने सेकंड स्प्रेड बना लिया, ये हमारे दो स्प्रेड हमारे पास रेडी है। अभी ये जो थर्ड स्प्रेड है मेरे पास, इसको ओवरनाइट के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास एक फिग है, इसको हिंदी में अंजीर कहते हैं। अंजीर मार्केट्स में मिल जाते हैं, ड्राई अंजीर। इसको हमने ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा था, और सोक करने के बाद सुबह में इसका हमने एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिया, एक काइंड ऑफ मार्मलेड। इसको टेस्ट करने के, जब मैं मार्मलेड बना लिया रहा था, इसके अंदर मैंने ऑरेंज जेस्ट, खाली ऑरेंज का छिलका है इसमें डाला है और कुछ नहीं डाला है। इससे उसका जो ऑरेंजी और फिग का जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आता है। ये हमारा थर्ड स्प्रेड है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, आप देखते हैं स्प्रेडेबल है, रनी नहीं है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं होगी तो वो बढ़िया नहीं बनेगा। और अब एक और हम स्प्रेड बनाएंगे जिसमें हम क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे। क्रीम चीज़, ये हमारे पास क्रीम चीज़ है। ये क्रीम चीज़ जो वीगन है, मार्केट में आजकल वीगन क्रीम चीज़ भी अवेलेबल है, तो आप वीगन क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको हल्की सी क्रीम डाल के, इसको बहुत ठीक रहता है क्रीम चीज़, इसको हल्का सा स्प्रेडेबल फॉर्म में ले लिया है, तो आप अच्छी तरह स्प्रेड करें। यहाँ पे हम क्रीम डाल के व्हिप कर लिया, यस हमने क्रीम डाल के इसको व्हिप किया। इसके अंदर हम डील डालेंगे, डील हमने चॉप करके रखी है। फ्रेश ड्रिल है, जो भी यूज़ करें फ्रेश यूज़ करें, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आएगा। ये हमने डील डाली है क्रीम चीज़ में। आप इसके अंदर अगर थोड़ा दही मिक्स करना चाहें, दही को भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी दही मिक्स नहीं कर रहा हूँ। ये हमने कुछ और डील डाली है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बढ़िया है। इसके अंदर काफ़ी सारा क्रैक पेपर डालेंगे, ब्लैक क्रैक पेपर। अगेन हल्का सा हिमालय सॉल्ट, क्रीम चीज़ को ओवर सीजन नहीं करें, हल्का सा डालेंगे कि क्रीम चीज़ एज इज खाने में बहुत बढ़िया रहता है, तो हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये हमारे चार स्प्रेड रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलरफुल स्प्रेड है, बहुत बढ़िया है। इसको बनाने से पहले हम अपनी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे। हमने यहाँ पे एक क्यूकम्बर लिया है, काट लेंगे, इसकी थिन स्लाइस करेंगे हम क्यूकम्बर्स की, जितनी थिन हो सकती है आप कर सकते हैं। प्लीज डोंट चॉप योर हैंड एज आई एडवाइस। अगर आपसे इतनी थिन स्लाइस नहीं होती है कोई बात नहीं, आप आराम से थिक स्लाइस रख सकते हैं। ये थोड़ी क्यूकम्बर की स्लाइस कर लिया, थोड़ा हम चेरी टमेटो की स्लाइस करेंगे, स्लाइस्ड चेरी टमेटो। अगर ये इसको आप हाफ में क्वार्टर्स में रखना चाहे तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कैनपीज बना रहे हैं इसलिए स्लाइस कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे स्लाइस कर लिया चेरी टमेटो। अब हमारे पास ये एप्पल है, हमने ये
रेड डिलीशियस एप्पल लिया है, कलरफुल है मार्केट में, रेड डिलीशियस, ग्रैनी स्मिथ, ग्रीन डिलीशियस, फूजी एप्पल, बहुत वैरायटी मिलती है। हमने यहाँ पे रेड डिलीशियस लिया, इसको हम थिन स्लाइस रखेंगे, बहुत ही थिन स्लाइस हमने काटनी है, आपसे जितनी थिन स्लाइस कटती है आप आराम से काटें। आने वाले टाइम में हम सीजनल रेसिपी भी आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ये हमारे थिन स्लाइस्ड एप्पल है। अभी हमने यहाँ पे सोया, ये आप टोफू भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास सोया चाप है, उसको हमने थोड़ा बेक कर लिया है। बेक करने के बाद में हम इसको थिनली स्लाइस्ड, जो वेजिटेरियन बंदे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी आइटम है, और हमने इसको थिनली स्लाइस्ड करके यहाँ पे रखेंगे। ये सोया चाप है, सोया चाप ये इंडियन स्टोर में, ये जो सोया चाप है हम खुद अपने यहाँ पे बनाते हैं, हमारा खुद का प्रोसेस है। बेसिकली जो इसको चाप का शेप देने के लिए यहाँ पे हम सोया कर्ड्स आता है उसके अंदर डीप करते हैं तो स्पाइंड हो जाए, पर आपको ये मिलने में आसानी नहीं हो रही है तो आप टोफू यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में काफ़ी सोया की वैराइटीज़ अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो इंडिया से सोया चाप आती है वो स्टिक्स पे आती है, कैंस में आती है, आई डोंट पर्सनली लाइक दोस वन, बट अब सबका अपना अपना टेस्ट है, आप वो यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये हमने थिनली स्लाइस्ड, आप फिर से एक बार देख रहे हैं, जो हमारी चॉइस है वो हर वक्त कलरफुल है। Exactly. हमारे स्प्रेड कलरफुल है, हमारी टॉपिंग्स कलरफुल है, तो दिस इज ऑलवेज अ मैटर कि आप कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, क्या चूज़ कर रहे हो, और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे आएगी। आपको इस पे पहले वर्क करना पड़ता है, आप आराम से सोचो कि आपका हर वक्त आपकी टॉपिंग और आपका स्प्रेड कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जिससे कलर बहुत ब्यूटीफुली निखर के आएंगे। हमने यहाँ पे थोड़ी मोज़रेला चीज़ भी ली हुई है, आप मोज़रेला नहीं यूज़ करना चाहते हैं, अभी इंडियन स्टोर्स, इंडियन प्रोसेस स्टोर्स में अमूल चीज़ भी मिल जाता है, आप अमूल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये टॉपिंग्स रेडी है, हमारे स्प्रेड्स रेडी है, अभी हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम, हमारे पास स्वीट है, डेयरी प्रोडक्ट का है, थोड़ा स्पाइसी है, ये हमारा थोड़ा मेडिटेरियन स्टाइल स्प्रेड है, तो आप कोई भी स्प्रेड ले सकते हैं। ये देखें, ये हमने स्प्रेड्स, चिकपी का स्प्रेड लिया है, चिकपी का स्प्रेड लेके हम यहाँ पे रख देंगे। मेरे को प्लेटिंग के लिए ये प्लेट अच्छी नहीं लग रही है, इसकी कलर उठते नहीं आएंगे, हम इसकी वजह से वाइट प्लेट यूज करेंगे। वी विल चेंज दिस प्लेट, ओके, दिस इज समथिंग हम कॉन्ट्रास्ट ले रहे हैं यहाँ पे। आप बड़ा प्लेटर रखना चाहें बड़ा प्लेटर रख सकते हैं। ये हमारा चिकपी कप है, अभी सेकंड पे हम कर रहे हैं राजमा का स्प्रेड।
ज़्यादा नहीं हो। ये जो कैनपीज होती है सिर्फ बाइट वन बाइट्स होती है और इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा काम इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारे स्प्रेड्स, आप स्प्रेड ज़्यादा यूज़ करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, कम यूज़ करना चाहें कम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड बना के क्रैकर्स रख के टॉपिंग्स रख भी सकते हैं अपने गेस्ट के साथ, गेस्ट अपने हिसाब से बना के अपनी यूज कर सकते हैं। राइट, चॉइस के हिसाब से। हाँ जी, जो उनको स्प्रेड अच्छी लगती है, जो टॉपिंग अच्छी लगती है वो खुद यूज कर सकते हैं। अब तक हम भी थोड़ा कम हो जाता है जी, पर अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है देन आई विल प्रिफर आप खुद इसको प्रेजेंट करें। अभी हम ये स्प्रेड लेते हैं अंजीर का। अभी ये अंजीर का स्प्रेड है हमारे पास, इसके लिए हम ये प्लेट यूज करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट कलर है। परफेक्ट, राइट। ये अंजीर का हमने स्प्रेड लिया है, स्प्रेड बनाना चाहे स्वीट्स में तो आप एप्पल को छील के उसको बेक करके 350 डिग्री पे उसको ब्राउन शुगर में टॉस करके उसके प्यूरे बन के बहुत बढ़िया स्प्रेड बनता है। इसको उसको एप्पल जाम कहते हैं, आप एप्पल जाम बना सकते हैं। काफ़ी एप्पल्स अभी जब शुरुआत होगी फॉल की, काफ़ी आप एप्पल्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, फ्रेश इंटेरियो के एप्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये हमारा स्प्रेड हो गया। दिस अभी हमारे पास रहता है दिस स्प्रेड, ये हमारा क्रीम चीज एंड डील का स्प्रेड है, इसको हम यूज करेंगे। आप किसी और तरह की क्रस्ट के लिए यूज करना चाहे कर सकते हैं। देखिए लिक्विड ही नहीं है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड ही नहीं। अगर लिक्विड ही होगा तो जो आपकी जो ये क्रैकर्स हैं या क्रिस्टीनीज है वो सॉगी हो जाएगी और क्रंच नहीं आएगा। तो आप मेक श्योर करें कि ये लिक्विड ही नहीं हो। तो आप एक दो घंटा अगर ये ऐसे स्प्रेड के साथ बड़ी भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। It won't fall apart. Yes. ये रहेगी काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगी। ये हमारे क्रैकर्स रेडी। अभी इसको हम टॉपिंग करेंगे। जो हमारी चिकपी की है इसके ऊपर हम आप ट्विस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ थिन स्लाइस्ड। थिन स्लाइस्ड करने की वजह ही ये है कि आप इसको बैटरली प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपकी क्यूकम्बर थिन स्लाइस नहीं होगी तो ये अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं होगी। अगर कोई बात नहीं, अगर आप थिन स्लाइस नहीं कर सकते तो बड़ी साइज़ के क्रैकर्स मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो और आप ऐसे ही सीधा उसके ऊपर कर सकते हो। ये हमारा क्यूकम्बर रेडी है। अभी इसकी गार्निशिंग के लिए हम हल्का सा और कलर देंगे। हमारे पास चॉप्ड रेड पेपर है, देख सकते हो कैसे ये कलर काम कर रहे हैं। Exactly. इस वर्ड्स आपके पास ये है। शेप दिया क्यूकम्बर का, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो ये ब्यूटीफुल एक आपकी कैनपीस हो सकती है, आपका वाव फैक्टर निकल के आ सकता है। ये देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी सेकंड पे हम जाएंगे राजमा का जो स्प्रेड है। राजमा जो बेसिकली है वो चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, तो हम इसको चीज़
उसका रेक्टेंगल पे हम ऐसे कर देंगे। अभी इसको और लिफ्ट करने की चीज, और जो अंजीर है वो एज अ फ्रेंच कुजीन में बहुत ही बढ़िया ऐड होता है। हम इसके ऊपर एक और टॉपिक डालेंगे। चीज एंड फिक्स इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चीज एंड फिक्स इज ऑलवेज बीन अ गुड कॉम्बिनेशन। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फिक्स डालेंगे आप। फिक डाल दिया। अभी क्या है, कलर, कलर देने के लिए इसके ऊपर हम चेरी टमेटो स्लाइस्ड, थिन स्लाइस्ड चेरी टमेटो आप रख भी सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, आप पर जैसा दिल करता है आप कर सकते हैं। और उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो खड़ा रह भी सकता है बिकॉज़ हाँ, या नॉट वेरी स्प्रेड। अगर आपकी थिन स्लाइस्ड टमाटर है तो ये खड़े भी रह सकते हैं, नहीं है तो आप साइड पे आराम से रखते हैं। कलर इटसेल्फ इज शोइंग ब्यूटीफुल। ये हमने इसको और थोड़ा कलर देने के लिए ये हमारे पास धनिया की पत्तियां, देख सकते हैं आप। अगर ये दिस इज अनदर वेल प्रेजेंटेड कैन पीस बन के तैयार है। इसको और अगर आपको करना है आप यहाँ पे हल्का सा ब्लैक क्रैक पेपर डाल सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं। दिस इज अनदर ब्यूटिफुल कैन पीस बन के तैयार है। अभी ये है जो हमारे पास, जिसके ऊपर हम अंजीर का जो स्प्रेड किया उसके ऊपर हम एप्पल स्लाइस्ड डालेंगे। स्लाइस्ड एप्पल हमने ऐसे पोक कर देना है। आपकी कंसिस्टेंसी उस हिसाब से होनी चाहिए कि ये आराम से यहाँ पे स्टैंड हो सके। अगर आपका एप्पल थिनली स्लाइस्ड होगा बहुत बढ़िया तरीके से ये यहाँ पे खड़ा रहेगा। इसको थोड़ा सा हम और गार्निश करेंगे थोड़ा रेड पेपर साइड पे। ठीक है, अभी इसको गार्निश और करने के लिए हम फाइन चॉप करेंगे इसको। रेडिक्यूल नहीं है तो आप थिन स्लाइस्ड गाजर भी ले सकते हैं। ज्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा डालें। All visual wow factor. That's right. तो आप बुक्स में देखते हैं, आप कुकिंग शोज में देखते हैं, आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये ब्यूटीफुल कैनपीज बनती कैसे है। ये हम कैसे हर वक्त सोचते रहते हैं कि कैसे बनती होगी, कैसे करते होंगे, कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत आसानी से घर पे बन सकती है। ये हमने जो लिया हुआ है ग्रीन चीज का स्प्रेड, इसके ऊपर हम सोया डालेंगे। डाल दिया है इसके ऊपर, फिर से एक चेरी टमेटो का राउंड देंगे। चेरी टमेटो ऑन साइड,
तो आपका सोया चेरी टमाटो दोनों का कलर निखर के आए बाहर। और कैनेडा डे का वीकेंड है, आप आराम से घर पे बैकयार्ड में बनाओ और एंजॉय करो, आपके गेस्ट को बुलाओ। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप आराम से घर पे बना सकते हैं। अभी COVID-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है फ्रेश प्रोड्यूस, जो मेक्सिको से या कैलिफोर्निया से आता था, तो हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है। ये हमारी 4 डिफरेंट तरह की कैनेपीज बन के तैयार है। यादरी आप देखो क्या, वी ऑल शुड नॉट वेट एंड कॉल आवर फ्रेंड बट नॉट टू मेनी अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टार्ट दिस वंडरफुल पार्टी। इट इज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लग रहा है शहर। और मैं आपको ये और एक और एक ट्रिक्स देता हूँ, आप ऐसा नहीं है मेरी रेसिपी फॉलो करती है, आपके घर पे कुछ भी पड़ा है उसको मिक्स एंड मैच करके आप इसको बना सकते हैं। और बट आपको अगर इस पे सीजनिंग कम लगे या मैं सॉल्ट पे सोडियम अपने अपने टेस्ट का होता है, तो आपको लगे तो आप हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, पेपर पिंग स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वाव फैक्टर कैनपीज हमने आपको दिखाई है, आप इसको घर पे बनाओ, एंजॉय करो, कैनेडा डे वीकेंड है और आप अपने गेस्ट को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, आप ऑल टुगेदर, क्योंकि 10 पीपल्स की लिमिट्स है मिलने की, तो आप उसका पालन करें, फॉलो करें उसको और सबको सेफ रखें। इसके बाद में जो हमारे पास जो बची हुई चीज़ है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं काफ़ी चीज़ें बच जाती है, अगर ये आपका एपेटाइजर हो गया, आपकी कैनपीज हो गई, इसको बाद में अगर आपको लगता है कि हम मेन कोर्स में क्या गेस्ट को खिलाएं, बहुत आसान है। हाँ, ये कुछ कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीजों को दोबारा यूज करके आप सैंडविच क्रिएट कर सकते हो। आपको एक दो सैंडविच में बना के दिखाऊंगा। ये हमने सैंडविच बन ले लिए है, कोई भी स्प्रेड से, यहाँ पे मैं ये राजमा और हैलपिनियो का स्प्रेड में यूज कर रहा हूँ, ये हमने राजमा और हैलपिनियो का स्प्रेड यूज किया। हमने यहाँ पे लेटस है, लेटस डाल दी है, इसको 8 पार्ट निकाल देंगे बढ़िया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्यूकम्बर डाल दिए हैं, क्यूकम्बर ठीक है, ये हमने चीज डाल दिया है, चीज डालने से पहले हम टमाटर स्लाइस डाल देंगे, दिस इज द टमेटो स्लाइस, कपल ऑफ टमेटो स्लाइस, ये टमेटो स्लाइस है, थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा क्रैक पेपर डाल देंगे और हम चीज डाल देंगे, दिस इज अ चीज, ये वन ऑफ योर सैंडविच इज रेडी। इसको आपको मैं एक और सैंडविच बना के दिखाता हूँ, उसके बाद में इसको हम काटेंगे, प्रेजेंट करता हूँ। ये आपका वन ऑफ द लेफ्ट ओवर में से ही बना हुआ है, ये हमने एक और बन ले लिया है, हमने ये क्रीम चीज़ और डील की स्प्रेड कर ली है। अगर आप एक बन पे एक स्प्रेड, दूसरे बन पे दूसरी स्प्रेड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक दूसरे बन पे चिकपी और इसकी स्प्रेड कर ली है। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास ये सोया बचा हुआ है, हम सोया डाल देंगे, हम और कम्बर डाल देंगे, डाल दिया है, ये हम साइड पे कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग, हम बास्केट में डाल देते हैं, थोड़े चेरी टमेटोज है हमारे पास, वो डाल देंगे,
थोड़ा ब्लैक ब्लैक पेपर, हमारे पास चीज़ है, चीज़ डाल सकते हैं। तो अगर आप रेडी क्यों हैं हमारे पास कलर के लिए, हमने रेडी क्यों डाल दिया है, ये हमारे पास सेकंड सैंडविच रेडी है। तो कहने का मतलब है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक ही चीज़ में से, एक ही आइटम में से आप काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इसकी मैं अभी प्लेटिंग दिखाता हूँ। लेट मी क्लीन माय कटिंग बोर्ड। ये देखिए, ये हमारा सैंडविच है। आपको ये प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा सैंडविच है, कलरफुल है। ये हमारा दूसरा सैंडविच है, इसमें हमने राजमा का स्प्रेड लिया हुआ है। दिस इज अनदर सैंडविच। सो आप ऐसे सैंडविच के पीसेस करके आप अपने गेस्ट को कलरफुल लेयर्स आप कर सकते हैं। दिस इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपके पास काफ़ी इंग्रीडियंट्स होते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप रेगुलर जो स्लाइस ब्रेड होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट मैंडेटोरी आपने ये बन ही यूज़ करने हैं, बट बन इस हैंडल करने में आसान रहते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ को मैंने यूज़ की है। तो होपफुली आपको ये कैनपीज और सैंडविचेस का जो आइडियाज़ है आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही बढ़िया। और कहते हैं कि जैसे व्हेन यू लाइक इट विजुअली, ऑटोमेटिकली द टेस्ट डेवलप्स, कि भाई टेस्टी ही है। जैसे जैसे हम आगे शो करते रहेंगे आपको डिफरेंट सी बहुत जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो, ऐसी रेसिपीज, ऐसी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। बट आप इसको इस वीकेंड पे ट्राई करें। और इससे पहले मैं हूँ होने से पहले मैं हम आज सेकंड जो हॉट डिश बनाने जाने वाले रहते, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो लैम रोगन जोश या मटन रोगन जोश बहुत खाते हैं। तो रोगन जोश वेजिटेरियन बंदे भी खाना चाहते हैं, बट उनके पास चॉइस नहीं होती। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पनीर रोगन जोश बनाएंगे। अरे वाह, दैट इज लाइक बोनस। पनीर रोगन जोश बनाएंगे। और लोग कहते हैं ये जो रोगन जोश है बनता कैसे, ये कश्मीरी डिश है। कश्मीर की कभी भी टेस्ट नहीं किया जी। जो कश्मीरी है ना उनका खाना डिफरेंट है, उनकी वादियाँ डिफरेंट। जब कश्मीर की बात आती है तो एक अलग सी बात निकल के आती है कि यार वो उनकी वादियाँ, उनका जो ब्यूटी है, खाना भी उनका यही है। और ये जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है, उन्होंने एक एक खासियत उनकी रही है पंडित की। उन्हें नॉनवेज तो खाते थे पर कभी अदरक लहसुन नहीं खाते। तो हाँ, हमने अभी जो मॉडिफाइड कश्मीरी डिश यहाँ पे रोगन जोश पर उसमें प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, सब कुछ उसको मॉडिफाई हो चुका है। बट हम ट्रेडिशनली जो हमारा कश्मीरी रोगन जोश है वही बनाएंगे। मैं आज उनको दिखाता हूँ कैसे बनाता है। लेट मी पुट दिस स्टफ अवे और हम इसको रेंज पे जाते हैं। ओके, रेंज पे जाने से पहले मैं यहाँ पे मैरिनेशन बनाएंगे कश्मीरी रोगन जोश का। कश्मीरी रोगन जोश की जब बात आती है तो मसाले उनके डिफरेंट हैं, उनके पास सब कुछ डिफरेंट है। तो ये हम दही ले लेंगे, दही है हमारे पास, ये हमने दही लिया है। जो केसर है काफ़ी यूज होता है कश्मीरी डिशेज में, ड्राई फ्रूट्स, केसर, सौंठ है, सौंफ है, ये हमने ना प्री सोक करके रखा हुआ है केसर। यूजुअली केसर ये है, केसर ड्राई केसर है, हमने इसको अच्छी तरह इसका फ्लेवर लिया। गर्म पानी में इसको भिगो के रखें एक घंटा दो घंटा, उसको आप दही में डाल दें। जो कलर है ना रोगन जोश का उसकी बात ही अलग है। एक कलर से जो रोगन आता है इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। वो कलर के लिए आएगा, फेमस है, तीखा
इसमें नहीं स्पाइसी नहीं होता है। काफ़ी लोग इसमें सौंठ भी यूज़ करते हैं, पर मैं सौंठ नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डाला और नमक हिमालय पिंक सॉल्ट डाला हमने। इसके अंदर डालेंगे और सौंफ। सौंफ हमने फ्रेशली ग्राइंड करके रखी है, आप देखो स्मेल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। हमने इसमें हल्का सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। भुना हुआ जीरा डाल दिया है हमने, नमक डाल दिया है हमने, जीरा डाल दिया है हमने, ये मिर्च डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो केसर का रंग कितना बढ़िया, लाल मिर्च और केसर का बहुत बढ़िया मिक्सचर बन रहा है। और इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, एक अपना ही एक जरिया है वो करेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हमने सौंफ डाली है और दूसरी बात इसमें थोड़ी हम डालेंगे हिंग। हिंग इसलिए डालेंगे इससे फ्लेवर बढ़िया आ जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ऐसा सुना है कि बहुत अगर ज़रा भी मेजरमेंट से थोड़ा भी ज़्यादा हिंग हो जाए तो कड़वा हो जाता है। हाँ जी, हिंग बहुत कम यूज़ करें, हिंग फ्लेवर के लिए होता है। और ज़्यादा डालेंगे तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो हमने ये मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको रेंज पे लेके जाएंगे। रेंज पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी लेना चाहूँगा। हाँ, ये पैन गर्म हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसका एक और प्रोसेस भी है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। एक और पैन चाहिए होगा जिसको हमने यहाँ पे रख दिया है, अभी उसको कुछ नहीं करेंगे, उसके अंदर हम ऑलिव ऑयल डाल के छोड़ देंगे। ऑलिव ऑयल डाल के छोड़ दो, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, बट अभी बहुत ही जल्दी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ये जब तक स्मोक नहीं करता है हमने इसमें कुछ नहीं डालना। ये यहाँ पे हमने थोड़ी जवन की मेस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, हमने थोड़ी ग्रीन कार्डमम इलायची ली है, क्लोव्स लिए है और ब्लैक पेपर लिया है, थोड़े थोड़े से डाले हैं। और इसको जब गर्म होता है हम इसको क्रैक करेंगे। खड़ा मसाला है इसमें, हम दालचीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रहा हूँ कि हमारा अगर दालचीनी डालेंगे तो हमारा जो कश्मीरी मसालों का जो फ्लेवर है वो वे हो जाएगा। आप तब तक नहीं डालेंगे इस चीज़ को जब तक ये स्मोक नहीं करता है। आपको चाहते हैं वहाँ का अदरक लहसुन यूज करना, आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से पका दीजिए, डाल दिया है, हल्का सा पानी डाल देंगे पकाने के लिए। ठीक है, इसके हमारे पास ये हमने पनीर के टुकड़े करके रखे हुए अंदर डाल देंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आप बहुत प्यार से घर पे बना सकते हैं। आप यहाँ आके इनको सबको दिखा सकते हैं, जूम करके ये इसका कलर देखो,
हमने हल्दी नहीं डाली है, ये जो कलर है केसर और देगी मिर्च में से निकल के आया हुआ है। और आप केसर अभी काम कैसे गर्म होना शुरू हो गया, केसर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी इसको कहते हैं रोगन जोश, रोगन जोश। इसके लिए हम इसको डालने के लिए एक और चीज चाहिए होती है, ये है रतन जोल, जो ट्रीज होती है उसकी स्किन है, बार्क। हाँ जी, उसकी स्किन है। तो इसको हम तेल में डालेंगे और गर्म करेंगे। आप पास में आ जाओ और इसको देखो, जैसे मैंने इसके अंदर डाला है ये तेल लाल रंग छोड़ना शुरू कर रहा है, लाल रंग, रोगन जोश। हम रोगन जोश बना रहे हैं, उसका जो लाल रंग होता है वो मिर्च से नहीं आता है, हमने रतन जोश को हॉट तेल डालना है, रोगन जोश कहते हैं। पर जो रोगन बनता है, रोगन जो होता है इसके अंदर ऑयल काफी यूज होता है, तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया। जो ये बनने के बाद में ऊपर जो लेयर बनती है ऑयल की, उसको रोगन रोगन कहते हैं। बट इस डिश का नाम है रोगन, रोगन जोश। ये देखिए, हमने कुछ अदरक लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं किया, आप कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी है, कलर बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। और हम यहाँ पे रतन जोश को ऑयल का जितना इसको गर्म करोगे ऑयल में, पानी में नहीं करें, पानी में भी हो सकता है पर जो ऑयल में इसका कलर निकल के आएगा वो पानी में नहीं निकल के, और ऑयल को गर्म नहीं करें, अच्छा ठंडे ऑयल में ही हमको डालना है, बाद में इसको पकाना शुरू करना है, तो ही इसका अच्छा कलर निकल के आएगा। और इसको हम रतन जोश को इसके अंदर डाल देंगे, धीरे कर देते, फूकने देते बढ़िया सा, इसके ज़रूरत है और हल्का सा पानी, ये हमने और पानी डाल दिया है। केसर का फ्लेवर निकल के आ रहा है, सौंफ का फ्लेवर निकल के आ रहा है, सब चीज़ का फ्लेवर निकल के, आप देखिए गार्निश क्या बढ़िया लाल कलर बहुत ही बढ़िया निकल के आया हुआ है, ठीक है। इसको अभी हम डालेंगे डार्क रेड, जैसे कि बीटरूट का कलर होता है वैसे, हाँ जी, जो इसके अंदर देखिए ये बनता है रोगन जोश। काफी लोग इस चीज को बनाने के लिए काफी टमाटर यूज करते हैं, हमने टमाटर नहीं यूज किया है, कुछ भी यूज नहीं किया है। एक बहुत आसान रेसिपी है जो आप यूज घर पे बना सकते हो, और ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, आपने दही लेना है, मिक्स करना है, ऑलिव ऑयल के सिवा और कोई ऑयल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पीनट्स ऑयल, कैनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आजकल सब ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए हमने ऑलिव ऑयल दिया है, और अगर हाई स्मोक पे मतलब हाई फ्लेम पे यूज किया बट विथ होल्ड बर्न, हाँ ठीक है। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया, और जो रोगन निकल के आ रहा है यही एक रोगन जोश की खासियत रहती है, भी इतनी स्प्रेड हो गई है आपके किचन में, इतनी ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो पहले लोग लैम रोगन जोश, मटन रोगन जोश काफी, पर वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आज ये लोग इवन जैन स्वामीनारायण लोग भी ये डिश खा सकते हैं, क्योंकि प्याज नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी डाल देंगे पत्तियां, हमने डाल दिया और इसको प्लेट करने के लिए हमने लेते हैं एक कढ़ाई, कढ़ाई हम ले लेते हैं। देखिए गायत्री बहुत बढ़िया इसका कलर आ चुका है, आप स्मेल करके देखें, हमने कुछ ज़्यादा मसाले यूज नहीं किए, बहुत माइल्ड मसाले यूज किए, काफ़ी लोगों को रतन जोश का आज पता चला होगा कि रतन जोश होता है, ये इंडियन इंडियन एक चीज़ है,
बहुत बढ़िया इसका रंग निकल के आया। हम इसको प्लेट करेंगे और यही रोगन जोश की खासियत रहती है, ये जो रतन जोश से जो लाली आती है वो ही इसकी खासियत है और वो होना बहुत ज़रूरी है। देखो कि रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनी है, थिक ग्रेवी है, हमने सिर्फ दही का यूज़ किया है और किसी चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया है। और आप सबने देखा कि स्क्रैच से अभी अभी बनाया है, सो इट टुक लाइक हार्डली 9 or 10 मिनट्स एंड इट्स डन फिनिश। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है प्लेट में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब भी कुछ बनाए दिल से बनाए, जब दिल से चीज बनेगी आप दिल से सिखा दे रही है, बहुत बढ़िया बनेगी। और काफी लोग कहते हैं शेफ Why are you leaking your recipe? ये क्या होता है, जो नॉलेज है वो बांटने से बढ़ता है, बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन तो जो काफी चीजें हैं डाल दी थी, बहुत बढ़िया कलर है, विदाउट टमाटर है, आप देख सकते हैं कि बार बार में उन्होंने निकाल के इजीली गार्निश कर दिया। इसमें हमने धनिया है, धनिया, कैरेट्स और बीट रूट की स्पेगेटी हमने बनाई हुई है, अभी वही हमने गार्निश किया है और ये बढ़िया लग रहा है, एपेटाइजिंग है, आप अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले आता हूँ बाकी डिशेज के साथ, तो आपको बाकी डिश की नज़र आ जाएगी। ये आपके पास राइस से सर्व कर सकते हैं। So we have appetizers, we have sandwiches as a main course, and as a very special dish, Rogan Josh with paneer though, vegetarian Rogan Josh you can say. So amazing, and I am pretty sure कि सारे viewers अपनी उंगलियां चाट रहे होंगे और jealous भी feel कर रहे होंगे कि गायत्री ये सब खाने वाली है और वो लोग रह जाने वाले हैं। आप वो कर रहा हूँ, आप सबने ये recipe enjoy की होगी, next time और बढ़िया recipe और चीजों के साथ आते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप मेरे मिर्च मसाला के पेज को लाइक कर सकते हैं, गायत्री के वाव जो वाव वाव विजडम विलिंग्स है जो वो पेज को लाइक कर सकते हैं, तो ये लिंक्ड रहेगा और आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। आप अगर कुछ आपका क्वेश्चन है आप मेरे फेसबुक पेज पे ड्रॉप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं देता रहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा रीओपनिंग की वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बट जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल रिस्पॉन्ड यू ऑन माई फेसबुक पेज। लाइक माई फेसबुक पेज मिर्च मसाला का, हमारा फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं। सो शेफ वन क्वेश्चन फॉर पैटियो, आपने पैटियो इट इज आउटडोर राइट, आपकी मोस्टली हमारी जो मेन्यू थी वो इंडोर के लिए थी, तो कोई स्पेशल है फॉर आउटडोर्स? आउटडोर अभी नहीं है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जैसे हम पहले ही करते थे हमारा जो वीकेंड्स का स्पेशल चीज़ें हम क्रिएट करते थे, एज द क्राउड स्टार्ट कमिंग बैक टू द मिर्च मसाला वी गोना गो इनटू दैट डायरेक्शन, हम दोबारा स्पेशल्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। जो ऐसे वाव फैक्टर की डिशेज है जो हम वीकेंड्स में प्रेजेंट करते थे वो रूटीन में दोबारा आ जाएगा, आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वेदर इज़ नाइस और होपफुली यू विल कम बैक, help the local businesses. Of course, and that is what our series is about, support local. So don't wait, call Mirch Masala and book your spot today. Thank you, Chef. Thank you, everybody. Thank you so much. Happy Sunday.